तो जी दोस्तों, वेलकम टू द पियोनियर ऐप। हमारा यहाँ पे देखें अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये दोस्तों, हम अपने पियोनियर के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको आपका बैलेंस नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या आप ऑनलाइन पेमेंट को सेंड एंड रिसीव करते हो इंटरनेशनली, तो आपको पेमेंट को सेंड एंड रिसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हम किस तरह से पियोनियर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया है। कम्प्लीट प्रोसेस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मेरे लिंक के थ्रू आओगे और आपको यहाँ पे $25 तक का बोनस भी देखने को मिलने वाला, तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट ना होने के बावजूद किस तरह से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर आप डायरेक्ट आओगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट आपसे पूछा जाएगा, तो उसका एक स्मार्ट यूज हम करेंगे। हम उसके लिए यूज करने वाले हैं अपने जैज कैश को। तो मैं इसका लिंक आपको पियोनियर का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर आपको पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन आप पियोनियर का अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप जैज कैश का अकाउंट क्रिएट कर लें, क्योंकि हम इसी को ही अपने बैंक अकाउंट के तौर पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पियोनियर, तो हमें यहाँ से अपने पियोनियर के अकाउंट को क्रिएट करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास आएगा अकाउंट लिंकिंग। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, हमें न्यू अकाउंट को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से न्यू पियोनियर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक फ्रीलांसर हो या ऑनलाइन सेलर हो, ठीक है, तो हमें तो पेमेंट रिसीव करनी है, तो हम यस के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपके पास चार स्टेप्स आएंगे, आपने इन चारों को कंप्लीट करना है। अगेन बता रहा हूँ कि आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, वरना आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल बनाना चाह रहे हो या कंपनी के लिए, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पे दोस्तों आपके पास आएगा कि आपको यहाँ पे अपना नाम वगैरह सिलेक्ट करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपना रियल नेम सिलेक्ट करना है, जो कि आपके CNIC के ऊपर या आपके किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर हो, जिससे हमें आगे KYC करनी पड़ेगी, तो वो आपने देना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, वही ईमेल आईडी को आपने री एंटर करना है नेक्स्ट के, और यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम सेकंड स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास कंट्री आएगी, तो हम यहाँ से कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। आपसे आपका स्ट्रीट एंड नंबर पूछा जाएगा, वो आपने देना है। मोर एड्रेस के ऊपर भी आपको अपने एड्रेस को मज़ीद आपको अच्छे से एड्रेस को बताना है। नीचे आपको अपना सिटी या टाउन का नेम लिखना है, वो आप लिखेंगे, एंड नीचे आपने पोस्टल कोड या जिप कोड देना है। अब पोस्टल कोड का अगर आपको नहीं पता, तो हर एरिया का एक पोस्टल कोड होता है। आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें अपने जगह का नाम, एंड आगे अगर आप पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपके पास पोस्टल कोड आ जाएगा, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे दोस्तों यहाँ पे आपके पास फ़ोन नंबर है, तो आपने यहाँ पे अपना एक्टिव फ़ोन नंबर देना। नंबर देंगे तो नीचे दोस्तों आपके पास होगा सेंड वेरिफिकेशन कोड, तो हमारे इस नंबर के ऊपर एक कोड आएगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, मेरे पास कोड आ चुका है, मैंने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों हम तीसरे स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है, नीचे आपको अपना पासवर्ड देना है, वही पासवर्ड आपको री एंटर करना, एंड यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लो। बस जो आप सिलेक्ट करो उसको आपने याद रखना है, क्योंकि आगे ये आपसे लॉगिन के वक्त पे काम आएगा। देखिए मैंने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया, नीचे आपको अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर करना है, वो आप दे देंगे। एंड नीचे आपके पास आएगा आईडी डिटेल के अंदर इशू कंट्री ऑफ आईडी, तो यहाँ से हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। और आप किसके थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो मैं अपने आईडी कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ, तो हम आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे दोस्तों आपके पास आएगा कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज एंड लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश में नहीं बल्कि अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लिखने के बाद हम नेक्स्ट करें। दोस्तों फाइनली हम फोर्थ स्टेप के ऊपर पहुँच गए हैं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे आने के बाद आपको अगेन सेलेक्ट करना है कि हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल है, और यहाँ पे हमने अपना बैंक कंट्री हमारा पाकिस्तान है, करेंसी PKR आपके पास होगी, चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं या बाद में भी हम कर लेंगे। जैज कैश यहाँ पे आपके पास बैंक के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते तो यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे दोस्तों आपके पास CNIC कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको एंटर करना है।
करना है और ये नंबर आपको डैश के साथ इंटर करना है। नंबर को यहाँ पे इंटर करने के बाद आपने इनकी टर्म एंड सर्विसेज दोनों को चेक को एग्री करना है और एग्री करने के बाद हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास नेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा जी, मनी ट्रांसफर मोबाइल अकाउंट जीएस कैश फॉर ऑफरिंग यू। दोस्तों हमारा अकाउंट जो है वो पियोनियर के ऊपर बन चुका है। दोस्तों आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और जाने के बाद आपने पियोनियर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके पास आएगा कि आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को इनेबल कर सकते हैं। जो नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना है। मैं यहाँ पे टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए उन्होंने मेरे नंबर के ऊपर एक कोड सेंड किया है जो कि मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है और यहाँ से हम इस कोड को सबमिट कर देंगे। दोस्तों आपके पास यहाँ पे आपको एक कोड मिल रहा होगा, यहाँ पे ये आपने सेव करके रख लेना है। ये आपका रिकवरी कोड है और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो जी दोस्तों वेलकम टू द पियोनियर ऐप, हमारा यहाँ पे देखें अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। स्टार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये दोस्तों हम अपने पियोनियर के अकाउंट के अंदर लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको आपका बैलेंस नजर आ रहा होगा। मजीद दोस्तों आपके पास प्रोफाइल है और प्रोफाइल के अंदर जाके आप यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह जो है बेसिक वो आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं। बैक आएंगे तो आप यहाँ पे इनके कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक्शन के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट है, आप यहाँ से किससे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, उसको बैंक के अंदर अब आप ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को पे भी कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। एक्टिविटी के अंदर जाके आप अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट को चेकआउट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि आपके नए कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन यहाँ पर की हैं, एंड होम के अंदर आपके पास यहाँ पर आपका मेन बैलेंस और डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल अंदाज में मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह से पियोनियर के अकाउंट को क्रिएट करना है बिना बैंक अकाउंट के। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो ने आपकी ज़रूर हेल्प की होगी। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आपको पेमेंट को रिसीव करना है तो इससे बेहतरीन वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों तक वो भी यहाँ इससे फ़ायदा उठा सकें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर फ्री में अर्निंग करनी है तो स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करो। अल्लाह हाफिज़।